अस्सलाम वालेकुम। मुझे कंफर्म करें कि मेरी आवाज़ जो है वो सब तक आ रही है। स्टूडेंट्स मुझे कंफर्म करें कि मेरी आवाज़ आ रही है सबको, वॉइस का कोई इशू तो नहीं है। लाइक मैमूना आप बताएं आवाज़ आ रही है। चलिए ठीक है, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक्स का हमने ये स्लाइड्स पहले भी पढ़ी थी, क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ स्क्विंट, टिश्यू टेकिंग हमने देखी थी, टाइप्स देखी थी, वर्जेंस और डाइवर्जेंस को देखा था। अब हम इवेल्युएशन ऑफ मोटर स्टेटस को देखेंगे। इन स्लाइड्स को इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। टाइप ऑफ आई मूवमेंट्स को हम देखेंगे, यूनिओकुलर आई मूवमेंट्स जो हैं जिनको हम डक्शंस कहते हैं, और बाइनोकुलर आई मूवमेंट्स जो होती हैं वो वरियंस और वर्जेंसेज होती हैं। वरियंस वो मूवमेंट्स हैं, बाइनोकुलर कंजुगेट आई मूवमेंट्स हैं जो कि आई को एक साथ मूव कराने में हेल्प आउट कराती हैं। वर्जेंसेज वो आई मूवमेंट्स हैं जो डिसजुगेट आई मूवमेंट्स होते हैं। यूनिओकुलर मूवमेंट्स में डक्शंस को हमने देखा था, डक्शंस ओनली वन आई इसमें ओपन होती है, अदर आई जो होती है वो कवर्ड होती है या क्लोज होती है। जब हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी भी पेशेंट का, तो उसे कहते हैं कि एक टारगेट को फॉलो करो, ठीक है, इच डायरेक्शन ऑफ गेज के अंदर हम उसको टारगेट फॉलो करवाते हैं। टाइप ऑफ डक्शंस हैं, अगर हमने पेशेंट को नेजली मूव करवाया तो ये अडक्शन है, अगर अपवर्ड मूव करवाया तो ये सुप्राडक्शन है, इनवर्ड रोटेट करवाया इंटॉर्शन, इसी तरह एडक्शन, इंफ्राडक्शन और एक्सटॉर्शन जो है वो एक्स साइक्लोटॉर्शन, ये आपके टाइप्स हैं डक्शंस की। एक आई की मूवमेंट होगी, पेशेंट को टारगेट दिया जाएगा और डिफरेंट पोजीशन ऑफ जो गेज हैं आपकी 6 पोजीशन ऑफ गेज उसके अंदर उसको मूव करवाया जाएगा। बाइनोकुलर जो आपकी मूवमेंट्स हैं जिनके अंदर वरियंस हैं, ठीक है, वरियंस जो है बाइनोकुलर हैं और साइमल्टेनियस कंजुगेट मूवमेंट्स होती हैं सेम डायरेक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर राइट आई है और राइट साइड पे देख रही है, डेक्स्ट्रो उसकी वरियन है, तो इसी तरह जो लेफ्ट आई है वो भी राइट साइड पे देख रही होगी, ठीक है। साइमल्टेनियस जो मूवमेंट्स होंगी और कंजुगेट मूवमेंट्स होंगी इन द सेम डायरेक्शन, उनको हम वरियंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बोथ आईज ओपन अटेम्प्टिंग टू फिक्सेट अ टारगेट एंड मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, चाहे वो राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, किसी भी पोजिशन ऑफ गेज में, ठीक है। दोनों आइज क्या करेंगी, कॉन्जुगेटली मूव करेंगी सेम डायरेक्शन के अंदर। एबडक्शन ऑफ वन आई अकम्पलिश बाय द अडक्शन ऑफ अदर आई, अगर एक आई एबडक्ट कर रही है तो दूसरी आई क्या है एडक्शन कर रही होगी, तो ये कॉन्जुगेट आई मूवमेंट कहलाती है। टाइप ऑफ वरियंस में डेक्स्ट्रो वरियन और लिवो वरियन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन, डेक्स्ट्रो एलिवेशन एंड डेक्स्ट्रो डिप्रेशन, लिवो एलिवेशन एंड लिवो डिप्रेशन, ये टाइप्स हैं आपकी वरियंस की। दोनों आइज क्या करेंगी सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी, जैसे लेफ्ट रेक्टस है तो वो इस कह लेंगे टेम्पोरल साइड पे अगर वॉच कर रहे हैं तो मीडियल रेक्टस की तरफ भी मूवमेंट होगी, ठीक है, ये डेक्स्ट्रो वरियन कहलाएगी। इसी तरह आपकी जो लिवो वरियन है वो लेफ्ट साइड पे देख रहे होंगे, जब इसी तरह सुप्रा वरियन है, इंफ्रा वरियन है जब हम नीचे की तरफ देख रहे होते हैं, डॉन टू द अर्थ अर्थ वाली साइड पे देख रहे होते हैं तो इंफ्रा वरियन होगी। इसी तरह आपकी डेक्स्ट्रो इंफ्रा रोटेशन, इनसाइक्लोटॉर्शन और एक्साइक्लोटॉर्शन होगी। वर्जेंसेज की हम बात करें तो बाइनोकुलर हैं, साइमल्टेनियस हैं, लेकिन डिसजुगेट है, ठीक है, डिसजुगेटिव मूवमेंट्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन होती है। एक आई अगर कन्वर्ज कर रही, फॉर एग्जांपल राइट आई राइट साइड पे देख रही है तो दूसरी
उसके अपोजिट डायरेक्शन में देख रही है. फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जेंस है, साइमल्टेनियस अडक्शन है. ठीक है, पहले हमने जो पढ़ी थी वरियंस पढ़ी थी उसके अंदर हमने देखा था कि दोनों आई सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं. लेकिन अगर हम बात करें कन्वर्जेंस की, कन्वर्जेंस में अगर राइट आई नेजल साइड पे देख रही है और लेफ्ट आई भी नेजल, तो ये दोनों आईज ही अडक्ट कर रही हैं. लेकिन प्रीवियस जो हमने कंडीशन पढ़ी उसमें एक आई अडक्शन में है और दूसरी एबडक्शन में है. लेकिन वर्जेंसीज जो हैं, वर्जेंसीज में दोनों आईज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, लाइक कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस. डाइवर्जेंस में दोनों आईज जो हैं वो आउटवर्ड मूव कर रही हैं और कन्वर्जेंट पॉइंट पोजीशन से. पेशेंट और एग्जामिनर पोजीशन सेम लेवल पे, सबसे पहले हमने पेशेंट और एग्जामिनर का जो लेवल है वो सेम रखना होता है. कोई भी हेड पोजीशन एबनॉर्मल है, एनोमेलस है, तो उसको हमने करेक्ट करना होता है. ये असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ. रूम प्रॉपरली इल्यूमिनेटेड होना चाहिए, इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट बैठना चाहिए एग्जामिनर को, सो डैट बोथ आईज कैन बी सीन साइमल्टेनियसली. ठीक है, जो आपकी पोजीशन है वो इन फ्रंट द पेशेंट होनी चाहिए ताकि दोनों आईज आप उसकी साइमल्टेनियसली देख सको. अगर उसने स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं तो आपने स्पेक्टिकल्स को रिमूव करवा देना है ताकि कोई प्रिज्मेटिक इफेक्ट उसमें ना आए. पेन लाइट या पेन टॉर्च जिसको कहते हैं उसको यूज करना है. 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लाइट शाइन करनी होती है और 6 पोजीशन ऑफ गेज जो है एक एच बनाते हुए आपने उसको चेक करना होता है. फॉर एग्जांपल ये राइट आई कंसीडर करें और लेफ्ट आई, तो इसी तरह 6 पोजीशन ऑफ गेज के अंदर आपने एक एच बनाते हुए सुपीरियर, इंफीरियर और सारी जो पोजीशन ऑफ गेजेस है उनको असेस करना होता है. ठीक है, ये डिफरेंट पोजीशंस हैं, इनको आप एक बार देख लेना, स्लाइड्स ऑलरेडी आप लोगों के पास हैं. एबडक्शन जो है वो नॉर्मल है जब टेम्पोरल लिम्बस टच करता है लेटरल कैंथस के ऊपर. एडक्शन इज नॉर्मल व्हेन नेजल 1/3 कॉर्निया क्रॉसेस नेजल स्पेक्ट्रम. ठीक है, ये वो लिमिटेशंस हैं कि एबडक्शन कब नॉर्मल होती है, एडक्शन कब नॉर्मल होती है. अगर इन लिमिट्स को क्रॉस करे तो इट मीन्स देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन, या फिर कह लें कि अभी मसल जो है वो अंडर एक्शन है या ओवर एक्शन है. एबडक्शन नॉर्मल कब होती है, जब टेम्पोरल लिम्बस टच करता है लेटरल कैंथस को. और एडक्शन कब नॉर्मल होती है, जब नेजल 1/3 कॉर्निया क्रॉस करता है नेजल पंक्टम से. इन्फीरियर ओब्लिक ऑन लेटरल वरियन क्या करता है, अपर डेविएशन फ्रॉम हॉरिजेंटल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ प्यूपल. इसी तरह सुपीरियर ओब्लिक्स जो हैं ऑन लेटरल वरियन डाउनवर्ड्स डेविएशन करते हैं फ्रॉम हॉरिजेंटल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ प्यूपल. एबडक्शन, एडक्शन, इंफ्राडक्शन शुड हैव एटलीस्ट 10 मिलीमीटर ऑफ रोटेशन. ठीक है, इनकी जो रोटेशन है वो 10 मिलीमीटर तक होनी चाहिए. सुपराडक्शन की जो रोटेशन है वो 5-7 मिलीमीटर तक होनी चाहिए. अगर पैरेसिस है किसी मसल का, नॉर्मल डक्शन ऑब्जर्व होती हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा इनर्वेशन कॉल्ड इन टू कंपनसेट फॉर द पैरेसिस. ये फिनोमिना मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, जो हमने लास्ट पढ़े थे मसल्स के, शरिंगटन और हियरिंग, उनमें आपने पढ़ा था कि अगर एक मसल है दूसरा मसल उसको इक्वल इनर्वेशन देता है, अगर पैरेसिस हो गई है तो वो उसके कंपनसेट करने के लिए, उसकी इनर्वेशन को कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा, एक्स्ट्रा इनर्वेशन देगा. ठीक है, इन वरियन इट इज पिक्ड अप एज एक्स्ट्रा इनर्वेशन गोइंग टू यॉक मसल विच ओवर एक्ट्स. ठीक है, जो मसल ओवर एक्ट करता है इसी वजह से, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा इनर्वेशन मिल रही होती है. प्राइमरी अंडर एक्शन होता है इन्वॉल्व मसल का, सेकेंडरी कंट्रेक्चर होता है अनअपोज एंटाजोगोनिस्ट होगा, और सेकेंडरी कंट्रेक्चर होता है योक मसल का, इसी तरह इनहिबिटरी पॉलिसी एंटागोनिस्ट का. ला और शेरिंगटन ला आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसे इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी. जो चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ी है, ये पॉलिसी भी आपने पढ़ी हुई है कि अगर एक मसल की पॉलिसी हो जाती है तो उसकी इनर्वेशन किस तरह होती है. ठीक है, इज़ोट्रोपिया का भी आपको पता है, एक्सोट्रोपिया का भी पता है, हाइपरट्रोपिया किसे कहते हैं, हाइपोट्रोपिया किसे कहते हैं, ये सारी टर्म्स ऐसी हैं जो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. अब अगर हमने मेजरमेंट्स करनी है डेविएशंस की, तो उसके दो मेथड हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड है और दूसरा सब्जेक्टिव मेथड है. ऑब्जेक्टिव मेथड के अंदर हम जो टेस्ट यूज करते हैं उसका अगर हम देखें तो हर्शबर्ग टेस्ट है, प्रिज्म अल्टरनेटिव कवर टेस्ट है, क्रिम्सकी टेस्ट है, स्नैप्टोफोर टेस्ट है. सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर मेडॉक्स रॉड, हेस स्क्रीन है और सेनेप्टोफोर है. हर्शबर्ग में हम क्या करते हैं, इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं स्ट्राबिस्मस के लिए,
यूज करते हैं फर्स्ट पुर्किंजी इमेज, जो हमें फर्स्ट पुर्किंजी इमेज नजर आता है। पुर्किंजी इमेजेस हमारे चार होते हैं, कॉर्निया की इंटीरियर सर्फेस, कॉर्निया की पोस्टीरियर सर्फेस के, लेंस की इंटीरियर और लेंस के पोस्टीरियर सर्फेस के। तो फर्स्ट जो पुर्किंजी इमेज होता है उसको हम हर्शबर्ग में यूज करते हैं। ये रफ एस्टिमेट देता है एंगल ऑफ मैनिफेस्ट स्क्विंट, ठीक है, कितने डिग्री का मैनिफेस्ट स्क्विंट है ये हम हर्शबर्ग टेस्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं, रफ एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। यूजफुल होता है इन यंग अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स, ठीक है, बच्चों में जब वो कोऑपरेट नहीं कर रहे होते, अनकोऑपरेटिव होते हैं, उनमें हर्शबर्ग टेस्ट जो है वो हमारे लिए यूजफुल होता है। When fixation in deviating eye is poor, अब जो deviating eye है अगर उसमें fixation poor हो तो भी Hirschberg test जो है हमें estimate लगाने में help out करता है। अब इसका procedure क्या है, patient को कहा जाता है कि fixate करो at light, ठीक है, light shine करते हैं 33 centimeter के distance से, patient को कहते हैं कि इसके ऊपर आपने क्या करना है, fixate करना है। Deviation of corneal reflex जो है वो हम देखते हैं at the center of pupil, उसको note किया जाता है। इच mm डेविएशन जो है 1 millimeter जो डेविएशन है वो 7 degree के बराबर होती है, ठीक है, 1 degree इज इक्वल टू 2 prism diopter अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये नॉर्मल है। 15 degree का डिफरेंस है, थर्ड में आपका 30 degree का है, देन 45 degree के ऊपर है, ठीक है। लेफ्ट आई को ऑब्जर्व करें, ये फर्स्ट इमेज के अंदर नॉर्मल है पुर्किंजी इमेज, ठीक है, ये आपको अंदर छोटा सा पुर्किंजी इमेज शो किया गया है ये स्पॉट लाइट का, तो ठीक है, ये आपके प्यूपल के मार्जिन पे है, जो प्यूपल के मार्जिन पे होगा वो 15 degree का इज़ोट्रोपिया होगा, सॉरी एक्सोट्रोपिया होगा, ठीक है, आई एम रॉन्ग, इट्स नॉट इज़ोट्रोपिया, सॉरी इट्स नॉट एक्सोट्रोपिया, इट इज इज़ोट्रोपिया, ठीक है। जहां पे भी पुर्किंजी इमेज नजर आएगा अगर वो टेम्पोरल साइड पे है तो जो ट्रोपिया होगा वो उसके अपोजिट साइड पे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यही पुर्किंजी इमेज हमें यहाँ नेजल वाली साइड पे मिलता तो क्या होता, एक्सोट्रोपिया होता। अब ये पुर्किंजी इमेज इस इमेज के अंदर हमें मिल रहा है टेम्पोरल साइड पे, तो इट मीन क्या है, ये आई इजो में है, इजोट्रोपिया के अंदर है। तो इस पिक्चर को देखते हुए अगर आप देखें कि पुर्किंजी इमेज 15 degree के ऊपर है, प्यूपल के मार्जिन पे है, तो ये 15 degree का क्या है आपको, इजोट्रोपिया है। इसी तरह अगर नेक्स्ट इमेज के अंदर आप देखो, ये लिम्बस के मार्जिन पे पुर्किंजी इमेज चला गया है, तो ये कितने डिग्री का इज़ोट्रोपिया होगा, 30 degree का इज़ोट्रोपिया होगा। इसी तरह अगर वो लिम्बस से भी बियॉन्ड चला गया, अब ये जो हम पुर्किंजी इमेज देख रहे थे वो लाइट शाइन कर रहे थे, वो जो शाइन हमें नजर आ रही थी वो इससे लिम्बस से भी बाहर चली गई है, स्क्लेरा पे आ गई है, तो ये 45 degree का इज़ोट्रोपिया होगा पेशेंट में, एक रफ एस्टिमेट आपको मिल जाता है। 45 degree का है तो इट मीन्स के उसको इससे डबल क्या है मिलीमीटर कह लेंगे प्रिज्मेटिक इफेक्ट है उसका। क्रिम्स की क्या है, पहले हमने हर्शबर्ग पढ़ा जिसमें जस्ट हमने लाइट से देखा, उसके बाद हम क्रिम्स की करेंगे जिसमें हम प्रिज्म्स को यूज़ करेंगे। ये हेयरिंग लॉ ऑफ इक्वल इनर्वेशन पे रिलाय करता है या बेस्ड करता है, फॉर क्विक इवेलुएशन ऑफ एंगल ऑफ स्ट्रैबिस्मस में हमें हेल्प आउट करता है, यूज़ किया जाता है टू सेंट्रलाइज कॉर्नियल रिफ्लेक्शन इन स्क्विंटिंग आईज एज कम्पेयर टू रिफ्लेक्स इन द फिक्सेटिंग आई। Results expressed in prism diopter. इसका जो रिजल्ट आता है वो हम prism diopter के अंदर लिखते हैं, ठीक है। इसमें हमारा जो पर्पज होता है या इसको हम इस्तेमाल करते हैं या यूज करते हैं टू सेंट्रलाइज कॉर्नियल रिफ्लेक्शन, कॉर्निया की जो रिफ्लेक्शन कह लें स्क्विंटेड आई की वजह से सेंट्रल नहीं है, उसको सेंट्रल करने के लिए हम यूज करते हैं। जो स्क्विंटिंग आई होती है, जो आप टेढ़ेपन में जा चुकी होती है, इजो या एक्सो में जा चुकी होती है, उसके आगे हम क्या करते हैं, प्रिज्म रखते हैं। जिस तरह हमने हर्शबर्ग किया, इसी तरह हर्शबर्ग की तरह ही हमने उसको लाइट शाइन की और उसका सेंट्रल कॉर्निया रिफ्लेक्स हमने फाइंड आउट करना होता है। प्रोसीजर क्या है, पेशेंट को कहा जाता है फिक्सेट करो पॉइंट लाइट के ऊपर प्रिज्म ऑफ इंक्रीजिंग पावर, ठीक है, पहले हमने कम प्रिज्म उठाया, फिर उसको रिफ्लेक्स देखा, जहां पे प्रिज्म बढ़ाते जाएंगे, जहां पे दोनों आईज का कॉर्निया के जो रिफ्लेक्स हैं वो सेंट्रल हो जाएंगे, वहां पे हमने उसको स्टॉप कर देना है। फिर हमने प्रिज्म की अमाउंट देखनी है, तो उस अमाउंट से हमें पता चल जाएगा कि इसको कितने प्रिज्म डायोप्टर का कह लेंगे स्क्विंट है, ठीक है। अब हमने प्रिज्म कैसे रखना है, प्रिज्म इंक्रीजिंग पावर में रखना है लेकिन एपेक्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मैनिफेस्ट स्क्विंट। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को इज़ोट्रोपिया है, इज़ोट्रोपिया में आई किस तरफ जाती है, नेजल साइड पे जाती है, तो हमने जो प्रिज्म का एपेक्स है वो टुवर्ड द डेविएशन रखना है,
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब भी आपने स्क्विड की असेसमेंट करनी होती है तो ये पॉइंट आपने याद रखना होता है कि एपेक्स हमने किस तरफ रखना है, क्योंकि प्रिज्म की एक बेस होती है और एपेक्स होता है। एपेक्स हमेशा हमने टूवर्ड द डेविएशन रखना है, प्लेस इन फ्रंट ऑफ नॉन फिक्सेटिंग आई। अब जो हमारी डेविएटिंग आई है वो नॉन फिक्सेटिंग आई है, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल आई है वो तो फिक्सेटिंग आई है ना, तो जो नॉन फिक्सेटिंग आई है उसके आगे हम रखेंगे टिल कॉर्नियल राइट रिफ्लेक्स सेंटर्ड हो जाए इन स्क्विंटिंग आई। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रिज्म रिक्वायर्ड टू सेंटर लाइट रिफ्लेक्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ स्क्विंट इन द प्रिज्म डायोप्टर। अब जितनी अमाउंट का प्रिज्म हमने उसको रखा आई के आगे रखा और उससे वो लाइट सेंट्रल हो गई, वो जो रिफ्लेक्स था वो सेंट्रल हो गया, वो किसके बराबर होता है, अमाउंट ऑफ स्क्विंट इन द प्रिज्म डायोप्टर जो हमने मेजर करना है। फिर बकनर टेस्ट है, परफॉर्म किया जाता है यूजिंग डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, जो ऑप्थेल्मोस्कोप एक डिवाइस है उसके साथ हम इसको टेस्ट को परफॉर्म करते हैं टू ऑब्टेन रेड रिफ्लेक्स साइमल्टेनियसली इन बोथ आइज। ठीक है, इसमें हमने क्या करना होता है, लाइट को शाइन करना होता है और हमने देखना होता है कि दोनों में हमें रेड रिफ्लेक्स नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा। डेविएटेड आई हैज़ अ ब्राइटर एंड लाइटर रिफ्लेक्स देन फिक्सेटिंग आई। अब जो डेविएटिंग आई होगी उसका जो रिफ्लेक्स होगा वो ब्राइटर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी डेविएटिंग आई है तो इसका जो रिफ्लेक्स होगा वो ब्राइटर होगा और लाइटर रिफ्लेक्स होगा देन द फिक्सेटिंग आई। फिक्सेशन वाली जो आई होगी उसका रिफ्लेक्स डिफरेंट होगा, उससे ज्यादा कह लेंगे डेविएटिंग आई का ब्राइटर ज्यादा होगा। ये हेल्प करता है इन डायग्नोसिस मीडिया ओपेसिटी स्ट्रैबिस्मस और रिफ्रैक्टिव एरर। जो ऑप्थेल्मोस्कोप हम यूज करते हैं जिस टेस्ट का प्रोसीजर का नाम ब्रुकनर टेस्ट है, ब्रुकनर टेस्ट हमें हेल्प आउट करता है ताकि मीडिया के अंदर अगर कोई ओपेसिटी है, कैटरेक्ट है या कोई कॉर्नियल अल्सर है, कोई भी चीज़ अगर आपके ऑप्टिकल मीडिया के अंदर है तो वो उसको डायग्नोज करने में हेल्प आउट होता है स्ट्रैबिस्मस में और रिफ्रैक्टिव एरर में। कवर टेस्ट परफॉर्म करते हैं और अनकवर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये तीसरा टेस्ट है आपके स्क्विंट असेसमेंट का, कवर एंड कवर टेस्ट। इसके लिए रिक्विजिशन क्या है, रिक्विजिट्स हैं कुछ एबिलिटी टू फिक्सेट टारगेट इन पेशेंट्स के, इट मींस के कोऑपरेटिव पेशेंट होगा तो ही वो फिक्सेट करेगा टारगेट को। कॉर्नियल इनकी सेंट्रल फिक्सेशन होनी चाहिए, हैव सेंट्रल फिक्सेशन इन बोथ आईज, नो ग्रॉस अ सीवियर मोबिलिटी डिफेक्ट्स। ठीक है, आई की मोबिलिटी डिफेक्ट्स उनको ज्यादा सीवियर ना हो, VN greater than 660 होनी चाहिए इन बोथ आईज, क्योंकि अगर हमने डिस्टेंस की मेजरमेंट करनी है, डिस्टेंस और नियर दोनों को हमने क्या करना होता है, स्क्विंट का इवेल्यूएट करना होता है, तो अगर डिस्टेंस पे उसकी VL equity less than 660 होगी तो हम जो बड़ा लेटर है आपके स्नेलन चार्ट के ऊपर वो एज अ टारगेट नहीं दे सकते, तो VN शुड बी ग्रेटर देन 660 इन बोथ आईज। सिंपलेस्ट मेथड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फोरिया एंड ट्रोपिया, ये एक सिंपलेस्ट मेथड है जिससे हम फोरिया और ट्रोपिया को दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, एक आई के ऊपर ये फॉर एग्जांपल डेविएटिंग आई है तो इसमें हमने कवर अप्लाई किया, ठीक है, और कवर हटाया तो आई किस तरफ गई हमने वो मूवमेंट चेक करनी होती है कवर ऑन कवर टेस्ट के अंदर। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक आई दोनों आईज हैं, एक आई जो है वो अंदर ईजो की तरफ जा रही है, हमने जैसे ही कवर लगाया तो आई नॉर्मल स्ट्रेट पोजीशन में आ गई। अब पहले हम बात करेंगे कवर टेस्ट की, फिर हम अनकवर की बात करेंगे, फिर कवर अनकवर। इसकी तीन पार्ट्स हैं, कवर टेस्ट, अनकवर टेस्ट, कवर अनकवर टेस्ट। ठीक है, कवर टेस्ट क्या करता है, डिटेक्ट करता है, कन्फर्म करता है ट्रोपियाज को, जो मैनिफेस्ट स्क्विंट होगा कवर टेस्ट उसको आइडेंटिफाई करेगा। अब इसका प्रोसीजर क्या है, पेशेंट से कहा जाता है टू फिक्सेट ऑन अ पॉइंट लाइट। ठीक है, पॉइंट लाइट का टारगेट देंगे पेशेंट को, नॉर्मल लुकिंग या फिक्सेटिंग जो आई होगी उसको कवर करेंगे अक्लूडर के साथ, जो आपको लगता है कि पेशेंट की नॉर्मल आई है उसको आपने क्या करना है, अक्लूडर के साथ फिक्स कवर कर देना है। लुक फॉर मूवमेंट ऑफ अनकवर्ड आई, कवर टेस्ट के अंदर क्योंकि हमने जो आई कवर कर दी हम उसका एग्जामिनेशन नहीं कर रहे होते, हम अपोजिट आई का एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। सो कवर टेस्ट में हमने क्या किया, जो फिक्सेटिंग आई है उसको कवर कर दिया और जो नॉन फिक्सेटिंग आई थी उसकी मूवमेंट को हमने चेक करना है। टेस्ट टू बी परफॉर्म फॉर नियर, ठीक है, और डिस्टेंस, दोनों के लिए हमने ये टेस्ट परफॉर्म करना है। नियर का जो डिस्टेंस टारगेट है वो हमें 33 सेंटीमीटर का देना है और डिस्टेंस का 6 मीटर का आपने जो फिक्सेशन टारगेट है वो देना है।
इसी तरह ये जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है इन ऑल पोजीशन ऑफ गेज, हमने हर फिक्सेशन उसकी चेक करनी होती है। कवरिंग वन आई फॉर पेशेंट विद नॉर्मल बीएसवी इंटरप्ट्स भी है। अब अगर नॉर्मली हम ऐसे पेशेंट की जिसकी नॉर्मल बीएसवी है उसको कवर करते हैं एक आई को, तो उसकी जो बाइनोकुलर फीएन है, सिंगल वीएन है, वो इंटरप्ट होती है क्योंकि उसकी फीएन ब्रेक हो जाती है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्क्विंट, अगर पेशेंट को स्क्विंट है, अनकवर्ड आई मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू टेक फिक्सेशन। ठीक है, अगर स्क्विंट नहीं है तो जो अनकवर्ड आई थी वो मूव करती है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ताकि वो अपनी फिक्सेशन ले सके। इन अपेरेंट स्क्विंट, अगर कोई अपेरेंट स्क्विंट है, वाजे स्क्विंट है, तो मूवमेंट नहीं मिलेगी। व्हेन आई इज अनकवर्ड इट विल एस्टैब्लिश फिक्सेशन। अब जो कवर्ड आई थी उसको हमने अनकवर किया तो वो क्या करेगी, अपनी फिक्सेशन लेगी। कवर अनकवर का ये प्रोसीजर देख लें। इस पिक्चर में देखें, राइट फर्स्ट पिक्चर है, कवर किया राइट आई को तो नो शिफ्ट। ठीक है, जो अनकवर्ड आई थी उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जैसे ही आपने कवर हटाया, ठीक है, तो जिस आई को कवर किया हुआ था उसने क्या किया, फिक्सेशन अपनी ली बाहर की तरफ। अब हमने इसमें डायरेक्शन देखनी होती है कि आई डायरेक्शन किस तरफ ले रही है, उसकी पोजीशन किस तरह है। आई ने फौरन से क्या किया, बाहर की तरफ मूव किया, तो इसका क्या मतलब है, एक्सोट्रोपिया लिया राइट आई ने। ठीक है, इसी तरह अगर हमने फिर से उसको कवर किया तो इज़ोट्रोपिया इन लेफ्ट आई, अगर आई ने बाहर की तरफ मूवमेंट की तो। इसके मूवमेंट्स को देखना होता है, जिस तरफ आई मूवमेंट करती है उसके अपोजिट क्या है, उसको ट्रोपिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ने बाहर की तरफ मूवमेंट ली तो उसका ट्रोपिया क्या होगा, इज़ोट्रोपिया होगा। इसी तरह अगर आई ने फौरन से कवर हटाने पे अंदर की तरफ मूवमेंट की तो उसका जो ट्रोपिया है वो उसके अपोजिट होगा। कवर अनकवर टेस्ट, ठीक है, कवर अनकवर, पहले हमने कवर देखा फिर अनकवर देखा, अब हम कवर अनकवर दोनों देख रहे हैं। कवर अनकवर एट द सेम टाइम हम परफॉर्म करते हैं, एक आई पे कवर करते हैं फिर दूसरी पे, ठीक है, एक का कवर हटाएंगे तो दूसरी आई को ऑब्जर्व करेंगे। ये टेस्ट परफॉर्म होता है टू इवेल्युएट या कंफर्म, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए फोरिया। फोरियास को डिटेक्ट करने के लिए जो लेटेंट स्क्विंट है हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं कवर अनकवर टेस्ट। ऑब्जर्व कवर्ड आई एज कवर इज रिमूव्ड। देखें, अभी हमने जो पहले दो टेस्ट पढ़े हैं ना, कवर और अनकवर, उसमें हमने क्या किया था, कवर में हमने देखा था अपोजिट आई को, क्योंकि एक आई हमने कवर कर दी थी तो जो दूसरी आई थी रिमेनिंग हमने उसको ऑब्जर्व किया था। लेकिन जब हमने अनकवर टेस्ट किया था तो अनकवर में जिस आई को हमने कवर किया हुआ था उसी का कवर हटाया, उसी को ऑब्जर्व किया, मीन सेम आई को एग्जामिन किया। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, कवर अनकवर टेस्ट के अंदर हमने क्या किया, कवर्ड आई को जैसे ही कवर रिमूव किया उसको ऑब्जर्व किया। हिट्रोफोरिया के अंदर कवर्ड आई विल डेविएट टूवर्ड द हिट्रोफोरिक पोजिशन, अगर हिट्रोफोरिया है, कवर्ड आई क्या करेगी, डेविएट करेगी टूवर्ड द हिट्रोफोरिक पोजीशन, जो उसकी पोजीशन होगी जैसे ही आप कवर करोगे आई उसकी तरफ मूवमेंट कर लेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई विल मूव आउटवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इज़ोफोरिया। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, आई आउटवर्ड मूव कर रही है तो उसको फोरिया कौन सा है, इज़ोफोरिया। अल्टरनेट कवर टेस्ट क्या है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं टोटल स्क्विंट, ट्रोपिया भी और फोरिया भी। ठीक है, अल्टरनेट में होता है, पहले एक आई पे हमने रखा, फौरन से कुछ सेकंड्स के गैप से हमने दूसरी आई पे किया। ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं टोटल स्क्विंट को, मोर डिसोसिएटिव देन कवर अनकवर टेस्ट, ये ज़्यादा डिसोसिएटिव टेस्ट है। डिसोसिएशन का मतलब है ना कि फीएन ब्रेक करना। प्रोसीजर क्या होता है, होल्ड करते हैं क्लूडर को ओवर वन आई फॉर सेवरल सेकेंड्स। ठीक है, 2 to 3 seconds के लिए हम क्या करते हैं, एक ऑक्लूडर को एक आई पे होल्ड करते हैं विच डिसोसिएट बीएसवी, क्योंकि कुछ देर के लिए जब हम होल्ड करेंगे तो बीएसवी उसकी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी रैपिडली। फिर हम मूव करते हैं ऑक्लूडर को टू द अदर आई। ठीक है, अगर राइट आई पे रखा था ऑक्लूडर फ्यू सेकेंड्स के लिए तो फिर उसके बाद हमने जब फ्यू एंड ब्रेक कर दी तो फिर हमने दूसरी आई के ऊपर उसको फौरन से मूव करना। ऑब्जर्व रीफिक्सेशन शिफ्ट ऑफ अनऑक्लूडेड आई। ठीक है, अब अगर मैं राइट आई की एग्जांपल ले रही हूँ कि पहले मैंने उसको कवर किया तो जब मैंने फ्यू सेकंड वेट करने के बाद लेफ्ट आई को कवर किया तो जो अब राइट आई है वो अनक्लूडेड है ना,
तो अनक्लूडेड आई को हम रीफिक्सेशन ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी स्पीड कैसी है, उसकी स्मूथनेस ऑफ रिकवरी कैसी है, आई जिस स्पीड जिस डायरेक्शन में मूव की वापस वो प्राइमरी पोजीशन में कितनी देर में आए. ठीक है, क्लोडर इज शिफ्टेड बैक एंड फोर्थ सेवरल टाइम्स. ये जो हम प्रोसीजर है अल्टरनेट बार बार परफॉर्म करते हैं और इससे हमें टोटल ट्रोपिया और कोरिया का पता चल जाता है. ठीक है, बोथ आईज आर कवर्ड अल्टरनेटिवली मूवमेंट ऑफ कवर्ड आई नोटेड एज कवर इज चेंज फ्रॉम वन आई टू द अदर. नेक्स्ट है प्रिज्म कवर टेस्ट. सेम है जैसे हमने कवर टेस्ट पढ़ा है वैसे ही प्रिज्म कवर टेस्ट है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, प्रिज्म रखते हैं आई के आगे, एपेस उसका टूवर्ड द डेविएशन रखते हैं और उसके ऊपर कवर और अनकवर प्रोसीजर करते हैं. सिंगल प्रिज्म या प्रिज्म बार यूज की जाती है. आपके पास प्रिज्म्स मिलते हैं, सिंगल सिंगल प्रिज्म भी होते हैं डिफरेंट स्ट्रेंथ के साथ, जिस तरह आपके पास लेंसेज होते हैं. इसी तरह एक बार के फॉर्म में एक स्केल के ऊपर भी डिफरेंट प्रिज्म, डिफरेंट अमाउंट के ऊपर डिफरेंट डायोप्टर्स के प्रिज्म लगे होते हैं जिसको प्रिज्म बार कहते हैं. ये दोनों हमें मिलते हैं. मेजर्स अमाउंट ऑफ डेविएशन इन नियर एंड डिस्टेंस फिक्सेशन इन ऑल गेज पोजीशन इन प्रिज्म डायोप्टर्स. ठीक है, क्योंकि हमने जो भी मेजरमेंट करनी होती है वो प्रिज्म डायोप्टर्स में होती है, तो प्रिज्म यूज कर रहे हैं तो वो प्रिज्म डायोप्टर्स में मेजर करेगी. मेजर करता है हाइड्रोफोरिया को भी ट्रोपिया को भी. कंबाइन करते हैं अल्टरनेट कवर टेस्ट विद प्रिज्म. ठीक है, हमने प्रिज्म्स को जब यूज करना है तो अल्टरनेट कवर टेस्ट इसके ऊपर परफॉर्म करना है. प्रोसीजर फिर वही है, प्रिज्म को इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के साथ, मतलब कि अगर आपने 5 डिग्री का उठाया था, 5 प्रिज्म डायोप्टर उठाया था, तो उसके बाद अगर हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रेंथ है 10 डायोप्टर तक की, तो हम 5 के बाद 10 लेंगे, 10 के बाद 15 लेंगे, फिर 30 लेंगे. इसी स्ट्रेंथ में ये हमारे पास पाए जाते हैं. एपेक्स टूवर्ड द डेविएशन रखेंगे प्लेस इन फ्रंट ऑफ वन आई. ठीक है, इसमें हम एक आंख के आगे प्रिज्म रखेंगे और उसको फिर कवर एंड कवर परफॉर्म करेंगे. अब हमारे पास कंडीशन है कि बेस आउट किस में यूज करेंगे, बेस इन किस में यूज करेंगे. ठीक है, पहले हम मैंने आपसे कहा था कि ना एपेक्स टूवर्ड द डेविएशन, तो अब इसमें हम देखेंगे कि बेस आउट, अगर तो पेशेंट को इजोट्रोपिया है तो हम बेस आउट यूज करेंगे. ठीक है, अगर बेस इन हम यूज कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक्सो होनी चाहिए, या तो पेशेंट को एक्सोफोरिया होना चाहिए या एक्सोट्रोपिया होगा, तो हम बेस इन प्रिज्म यूज करेंगे. बेस इन का मतलब यही है ना कि एपेक्स आउट है. ठीक है, पेशेंट कहा, पेशेंट से कहा जाता है कि वो फिक्सेट करे अपनी दूसरी आंख से, जिसमें हमने प्रिज्म रखा होता है पेशेंट से उससे फिक्सेशन नहीं लेते, जो अदर आई होती है पेशेंट से कहा जाता है उससे फिक्सेट करो. कवर अनकवर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है टिल देयर इज नो रिकवरी मूवमेंट ऑफ द आई अंडर कवर. कवर अनकवर हम करते रहेंगे, प्रिज्म के अमाउंट चेंज करते रहेंगे जब तक आई की मूवमेंट मिलना हमें खत्म ना हो जाए, क्योंकि हमें आई मूवमेंट मिल रही होती है ना, कि या तो वो नेजर मूवमेंट ले रही है या फिर वो बाहर टेम्पोरल साइड पे मूवमेंट ले रही है. जब उसकी मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी तब हमने उसका कवर एंड कवर टेस्ट स्टॉप कर देना है. एडॉल्फ्सिंग नेक्स्ट टेस्ट है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिसोसिएशन बिटवीन दिस सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, मेजर करता है हाइड्रोफोरिया फॉर नियर 33 सेंटीमीटर इन प्रिज्म डायोप्टर थ्रू 2 स्लिट्स. ठीक है, राइट आई सी करती है वर्टिकल वाइट एरो और हॉरिजेंटल रेड एरो. लेफ्ट आई देखती है वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन ऑफ नंबर्स. ठीक है, राइट आई से वर्टिकल लाइन वाइट एरो और हॉरिजेंटल रेड एरो नजर आएगा, और लेफ्ट आई जो है वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल नंबर्स होंगे वो रीड करेगी. इसमें पेशेंट से कहा जाता है कि आपने बताना है नंबर ऑन हॉरिजेंटल लाइन विच वर्टिकल एरो पॉइंट्स गिव अमाउंट ऑफ हॉरिजेंटल फोरिया. ठीक है, उससे आपने पूछना है कि कितने आपको एरोज नजर आ रहे हैं, उस अमाउंट का फिर उसको फोरिया होता है हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर. वर्टिकल लाइन में हम पूछते हैं कि रेड एरो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो वो वर्टिकल फोरिया मेजरमेंट हो जाती है. इसी तरह साइक्लो की जब हम साइक्लोफोरिया है उसको मेजर करते हैं टू अलाइन रेड एरो विद हॉरिजेंटल, हम उसे पूछते हैं कि वो कितना अलाइन करो उसको, तो वो फिर आपको साइक्लोफोरिया की अमाउंट बता देता है. मडॉक्स रॉड है, आपने शायद पहले भी पढ़ा हो मडॉक्स रॉड. मडॉक्स रॉड कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सिलेंड्रिकल हाई प्लस लेंसेज होते हैं. ठीक है, ये मडॉक्स रॉड जो है वो मल्टीपल प्रिज्म से मिलने, कह लें कि सिलेंडर्स के मिलने से बनता है. मल्टीपल सिलेंडर्स को हम कंबाइन करते हैं और एक मेडॉक्स रॉड बनाते हैं. रेड कलर का सेट होता है टुगेदर इन अ मेटालिक डिस्क. जिस तरह आप लेंस देखते हो रिफ्रेक्शन करते हुए, आपने ट्रायल बॉक्स में देखा होगा एक रेड कलर का लेंस होता है, तो वो रेड कलर का जो लेंस होता है अगर आप उसे उठा के देखो तो उसमें आपको हाई सिलेंड्रिकल मल्टीपल लेंसेज नजर आएंगे.
ठीक है, मेडॉक्स रॉड के अंदर मल्टीपल सिलेंड्रिकल हाई प्लस लेंजेज होंगे, रेड कलर का एक सेट होगा जो मेटेलिक डिस्क के अंदर इसको कवर किया हुआ होगा, विच कन्वर्ट्स अपेयरेंस ऑफ वाइट स्पॉट ऑफ लाइट इंटू रेड स्ट्रीक. ठीक है, जब इसमें से हम एक वाइट लाइट शाइन करते हैं तो हमें रेड कलर की स्ट्रीक्स नजर आती हैं. ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल डेविएशन को मेयर करता है, डिसोसिएटिव टेस्ट है, ब्लॉक करता है फियन को, और इसे हम फोरिया को मेयर कर लेते हैं. इसका प्रोसीजर भी बहुत आसान है. पेशेंट को कहा जाता है कि फिक्स करें पॉइंट ऑफ लाइट पे इन द सेंटर ऑफ मिडॉक्स स्केल एट द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर. ठीक है, 6 मीटर के डिस्टेंस पे पेशेंट से कहा जाता है कि लाइट को लाइट के पॉइंट को आप फिक्सेट करो. मिडॉक्स रॉड उसके आई के आगे रखा जाता है. मिडॉक्स रॉड इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ वन आई. मिडॉक्स रॉड कन्वर्ट करता है पॉइंट लाइट इमेज इन टू अ लाइन. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिलेंड्रिकल लेंसेज लगे होते हैं तो वो क्या करता है पॉइंट लाइट को एक लाइन के अंदर कन्वर्ट कर देता है. पेशेंट एक पॉइंट लाइट देखता है विद वन आई और रेड लाइन विद अदर. ठीक है, पेशेंट को एक आंख से तो स्पॉट लाइट का स्पॉट नजर आता है, दूसरी आंख से उसको रेड कलर की लाइन नजर आती है. ड्यू टू दिस सिमिलर इमेजेस ऑफ टू आईज फियन इज ब्रोकन. क्योंकि अब देखें दोनों आईज में डिफरेंट इमेज मिल रहा है, एक के अंदर स्पॉट लाइट नजर आ रही है, पॉइंट पिन पॉइंट लाइट नजर आती है. ये पिक्चर में अगर आप देखें ये पॉइंट नजर आ रहा है और साथ में एक वर्टिकल रेड लाइन नजर आ रही है. अब एक आंख में तो ये रेड लाइन नजर आएगी, दूसरी में ये स्पॉट ऑफ लाइट नजर आएगा. अब ये डिफरेंट इमेजेस हैं तो इस वजह से दोनों की जो फियन है वो ब्रेक हो जाती है. ठीक है, ड्यू टू दिस सिमिलर इमेजेस ऑफ टू आईज फियन इज ब्रोकन एंड हिट्रोफोरिया बिकम्स मैनिफेस्ट. अगर किसी को हिट्रोफोरिया है तो वो क्या हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा. अगर नहीं तो ऑन मेडॉक्स स्केल टेंजेंट स्केल वेयर रेड लाइन फॉल्स विल बी अमाउंट ऑफ हिट्रोफोरिया इन डिग्री. जितनी अमाउंट के इस डिस्टेंस पे होगा उतनी अमाउंट का हिट्रोफोरिया होगा. डिसोसिएशन बिटवीन पॉइंट लाइट एंड रेड लाइन कैन बी मेजर्ड बाय सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू इमेजेस बाय प्रिज्म इन फ्रंट ऑफ वन आई विद एपेक्स टुवर्ड द फोरिया. अब जिस तरफ फोरिया होगा प्रिज्म के एपेक्स को उसी तरफ रख के उसकी सुपर इम्पोजिशन, ताकि जो लाइन है पॉइंट लाइट है वो लाइन के सेंटर में आ जाए, उस अमाउंट का हमें प्रिज्म रखना होता है टूवर्ड द फोरिया. फोरिया की जिस तरफ भी डायरेक्शन होगी तो जितने प्रिज्म आपने रखा होगा उसको मेजर करने के लिए उतनी अमाउंट का उस पेशेंट में फोरिया होगा. ठीक है, इसको आप देख लें एक बार, इसी तरह स्पॉट लाइट नजर आती है एक आंख से और दूसरे, ये जितना डेविएशन है. ठीक है, और इसको सेंटर में लाया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म्स. डबल मेडॉक्स टेस्ट को आप रहने दें, डबल मेडॉक्स छोड़ दें, सिनेप्टोफोर भी छोड़ दें. डिप्लोपिया चार्टिंग भी छोड़ दें, अभी टेस्ट स्क्रीन भी मैं आपको नहीं करवा रही, लीड स्क्रीन भी रहने दें. फोर्स डक्शन टेस्ट है, चलें इसे भी. ठीक है, डायग्नोस्टिक ऑक्लूजन देख लेते हैं. इसको यूज किया जाता है टू इंड्यूस फुल डिसोसिएशन व्हेन इट्स थॉट दैट मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन हैज नॉट बीन रिवील्ड. यूज किया जाता है इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया के अंदर टू डायग्नोज वेदर सिम्टम्स आर ड्यू टू हिट्रोफोरिया, टू डिफरेंशिएट बिटवीन रियल और अपेरेंट लिमिटेशन ऑफ अबडक्शन इन चिल्ड्रन. कन्वर्जेंस में देखें तो प्लेस फिक्सेशन ऑब्जेक्ट एट 40 सेंटीमीटर इन मिड सेजिटल प्लेन ऑफ पेशेंट्स हेड. पेशेंट के जो हेड पोजिशन है उसकी मिड सेजिटल प्लेन के अंदर जो फिक्सेशन टारगेट है या ऑब्जेक्ट है उसको 40 सेंटीमीटर के ऊपर रखा जाता है. ऑब्जेक्ट को मूव किया जाता है टुवर्ड द पेशेंट अंटिल वन आई लूजेस फिक्सेशन एंड टर्न्स आउट. ठीक है, अब 40 सेंटीमीटर पे रख के उसको फिर पेशेंट की तरफ लेके आते हैं जहाँ पे पेशेंट की आई फिक्सेशन लूज कर देगी और आउटसाइड मूव कर जाएगी. दिस पॉइंट इज नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस. इस पॉइंट को क्या कहते हैं, नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं. नॉर्मल हमारा जो कन्वर्जेंस पॉइंट है वो 8 सेंटीमीटर तक होता है, 8 to 10 सेंटीमीटर या इससे भी कम होता है. डोमिनेंट अगर आई है तो वो अपनी मेंटेन रखती है, फिक्सेशन को मेंटेन रखती है. अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस या अकोमोडेटिव रेशियो क्या है, अकोमोडेशन रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑर्थोप्टिक्स के अंदर ये आपने लाजमी करना है, वरना मैं आपसे ये भी स्किप करवाती लेकिन ये इंपॉर्टेंट है. अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस इन प्रिज्म डायोप्टर्स, कन्वर्जेंस की जो अमाउंट है प्रिज्म डायोप्टर्स के अंदर पर
यूनिट चेंज इन अकोमोडेशन इन डायोप्टर्स, ठीक है, इसे हम कहते हैं अकोमोडेशन कन्वर्जेंस ओवर अकोमोडेशन रेशियो। ग्रेडियंट मेथड यूज होता है और हिट्रोफेरिक फोरिक मेथड यूज होता है इस एसी ओवर ए रेशियो, ये जो अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस ओवर अकोमोडेशन रेशियो है इसको आम जुबान में एसी ओवर ए रेशियो भी कहते हैं। इसके दो मेथड हैं, ग्रेडियंट मेथड और हिट्रोफेरिक मेथड। ग्रेडियंट मेथड डिवाइडिंग चेंज इन डेविएशन इन प्रिज्म डायोप्टर बाय चेंज इन लेंस पावर, ठीक है, इन अकोमोडेटिव टारगेट मस्ट बी यूज एंड वर्किंग डिस्टेंस हेल्ड कॉन्स्टेंट। वर्किंग डिस्टेंस जो है वो 33 सेंटीमीटर नियर के लिए और 6 मीटर जो है वो डिस्टेंस के लिए रखा जाता है, वो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। प्लस और माइनस लेंसेज यूज किए जाते हैं टू वेरी अकोमोडेटिव रिक्वायरमेंट, जितनी उसकी अकोमोडेटिव रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। हिट्रोफोरिया जो मेथड है डिस्टेंस और नियर डेविएशन मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं और इंटरपिपुलरी डिस्टेंस के मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं। If more exotropic or less azo at near fixation, then less convergence or low AC over ratio, ठीक है, अगर ज़्यादा exotropic है या less azotropia है near fixation के ऊपर तो it means less convergence है या फिर low AC over A ratio है। इसी तरह अगर more azotropic है या less exotropic है near fixation के ऊपर तो patient क्या है उसकी high AC over A ratio है। In accommodative azo difference in azo of 10 diopter or more between near and distance fixation is high AC over A ratio, ठीक है, accommodative जो isotropia है उसमें अगर difference आ जाए आपके पास isotropia के अंदर 10 diopter का near और distance में, जब आप near के लिए भी मेजर कर रहे हो और distance पे भी मेजर कर रहे हो तो दोनों में जो difference create हो वो 10 diopter से ज़्यादा हो तो क्या कहता है accommodative isotropia कहलाता है। सेंसरी स्टेटस की इवेलुएशन है, इसको हम किस तरह मेजर करते हैं, सप्रेशन है, स्टीरियोप्सिस है और रेटिनल कोरिस्पोंडेंस है। ठीक है, सप्रेशन में हम कौन कौन से टेस्ट यूज करते हैं सिर्फ नाम याद कर लें, वर्थ फॉर डॉट टेस्ट है, फोर प्रिज्म डायोप्टिक बेस आउट टेस्ट है, बेगलोनीज फिल्टर टेस्ट है, मेडॉक्स रॉड टेस्ट है, आफ्टर इमेज टेस्ट है, बाइनोकुलर पेरीमीट्री है, ये सुप्रेशन के लिए यूज होते हैं। स्टीरियोप्सिस मालूम करने के लिए टिटमस फ्लाई टेस्ट यूज करते हैं, रैंडम डॉट टेस्ट, TNO टेस्ट, लैंग स्टीरियो टेस्ट 1 and 2, लैंग 2 पेंसिल टेस्ट, सिनेप्टोफोर, ये डिफरेंट टेस्ट हैं जो हम स्टीरियोप्सिस को फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं। रेटिनल कोरिस्पॉन्डेंस चेक करने के लिए आफ्टर इमेज टेस्ट, स्ट्रेटेड ग्लासेस ऑफ बेगुलोनी, मेजर एम्ब्रियोस्कोप, डिप्लोपिया टेस्ट, फोवियो फोवल टेस्ट ऑफ कपर्स। वर्थ फॉर डॉट टेस्ट है जिसके अंदर हमारे पास फोर कलर्स के बॉक्सेस होते हैं सर्कुलर, दो ग्रीन और एक रेड और एक वाइट कलर का, ये भी डिसोसिएशन टेस्ट है जो यूज किया जाता है डिस्टेंस और नियर फिक्सेशन के लिए, डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन BSV, एबनॉर्मल रेटिनल कोरिस्पॉन्डेंस एंड सप्रेशन, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसका प्रोसीजर क्या है, पेशेंट वेयर रेड ग्रीन गोगल्स विद रेड लाइन लेंस इन फ्रंट ऑफ द राइट आई, रेड और ग्रीन गोगल्स उसको पहनाए जाते हैं और जो रेड है वो राइट आई के आगे होता है और ग्रीन जो है वो लेफ्ट आई के आगे होता है। पेशेंट इज सीटेड इन अ डार्क रूम, ही व्यू इल्यूमिनेटेड बॉक्स विद फोर सर्कुलर लाइन, ठीक है, अब ये जो बॉक्स आपको ऊपर नजर आ रहा है उसे ये बॉक्स दिखाया जाता है फोर सर्कुलर लाइन जिसमें दो ग्रीन एक रेड और एक वाइट कलर की लाइट होती है। टेस्टिंग डिस्टेंस कैन बी वेरिएड टू आइडेंटिफाई साइज ऑफ सप्रेशन स्कोटोमा, ठीक है, टेस्टिंग का जो डिफरेंट डिस्टेंस है वो हम वेरी कर सकते हैं, रेड लाइट सीन थ्रू रेड फिल्टर देखी जाती है, ग्रीन थ्रू ग्रीन फिल्टर, वाइट लाइट बाय बोथ आईज, ठीक है, जो रेड लाइट है वो रेड आई से देखी जाएगी, रेड बॉक्सेस हैं जो उसके अंदर रेड कलर के दो वो रेड आई देखेगी राइट आई देखेगी, ग्रीन जो है वो ग्रीन साइड से देखेंगे और जो वाइट लाइट है वो दोनों आईज देखेंगे। वाइट लाइट इज ओनली बाइनोकुलर फियन टारगेट, ठीक है, आपकी आई का बाइनोकुलर फियन का टारगेट है वो, ठीक है, इस तरह पेशेंट देखेगा रेड फ्रॉम राइट आई ग्रीन फ्रॉम लेफ्ट आई। अब फोर डॉट्स हैं नॉर्मल रेटिनल कोरिस्पोंडेंस है, अगर चार वो कहे कि मुझे दो रेड नजर आ रहे हैं, फोर डॉट्स नजर आ रहे हैं, नॉर्मल रेटिनल कोरिस्पोंडेंस है इन एबनॉर्मल रेटिनल कोरिस्पोंडेंस विद मैनिफेस्ट स्क्विंट, ठीक है, मैनिफेस्ट स्क्विंट के अंदर अगर वो मुझे अगर वो कहता है कि मुझे फाइव डॉट्स नजर आते हैं, ठीक है, तो उसको इजो डेविएशन है अनक्रॉस्ड रेड ऑन राइट साइड, अगर उसको रेड ज्यादा नजर आते हैं राइट साइड के ऊपर तो उसको इजो डेविएशन है लेकिन अनक्रॉस्ड है।
अगर उसे लेफ्ट साइड पे रेड ज्यादा नजर आते हैं तो एक्सो डेविएशन है और क्रॉस डेविएशन है, ठीक है। थ्री ग्रीन अगर वो डॉट्स देखता है, हालांकि ग्रीन सिर्फ एक ही है, अगर उसको थ्री ग्रीन डॉट्स नजर आते हैं तो इट मीन्स सप्रेशन ऑफ राइट आई है, क्योंकि उसने ग्रीन लेफ्ट आई से देखना था और ग्रीन ज्यादा देख रहा है, इट मीन के राइट आई की सप्रेशन है। इसी तरह दो रेड डॉट्स देख रहा है तो इट मीन सप्रेशन ऑफ लेफ्ट आई है, क्योंकि राइट आई से उसने रेड कलर देखना था, अब रेड कलर्स वो ज्यादा देख रहा है, टू डॉट्स देख रहा है तो इट मीन सप्रेशन ऑफ लेफ्ट आई है। इसी तरह उसको नियर और डिस्टेंस के लिए हम देख लेते हैं। डिस्टेंस पे प्रोजेक्टर के थ्रू किया जाता है या कोई भी हमारे पास चार्ट है उसके ऊपर किया जाता है। टेस्ट फॉर मैकुलर स्कोटोमास भी हम इसको यूज करते हैं। नियर के लिए फ्लैश लाइट यूज की जाती है, 1/3 डिस्टेंस के ऊपर होती है, 33 सेंटीमीटर के ऊपर, जो कि हमें एक्स्ट्रा मैकुलर सप्रेशन के टेस्ट के लिए भी यूजफुल होती है। ये फोर प्रिज्म टेस्ट है, फोर डायोप्टर प्रिज्म टेस्ट जिसको हम कहते हैं। फोर प्रिज्म का एक डायोप्टर हम यूज करते हैं, प्रिज्म यूज करते हैं। इसका एम होता है टू प्रोवाइड द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल बीएसवी, के नॉर्मल बीएसवी प्रेजेंट है या नहीं है। टेस्ट डन टू डिटेक्ट अ स्मॉल सेंट्रल सप्रेशन स्कोटोमा या फिर फोवियल सप्रेशन देखने के लिए देखा जाता है, इसको किया जाता है। इन पेशेंट हु हैव डिक्रीज ट्यूबोसिस बट आर ऑर्थोफोरिक कैन ऑन कवर टेस्ट, ठीक है। जब हम कवर टेस्ट परफॉर्म करते हैं तब उनकी जो आईज हैं वो ऑर्थोफोरिक हैं, प्राइमरी पोजीशन के अंदर हैं, लेकिन वो पेशेंट क्या है, उनका स्टीरियोप्सिस डिक्रीज हो चुका होता है। तो ऐसे पेशेंट जिनका स्टीरियोप्सिस डिक्रीज हो चुका होता है उनमें हम फोर प्रिज्म डायोप्टर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इन स्मॉल टू इंटरमीडिएट एंगल डेविएशन, अगर स्मॉल से इंटरमीडिएट डेविएशन है तो भी ये यूज करते हैं। तो लेवल ऑफ डिसोसिएशन इन माइल्ड डेविएशन भी हम इसको चेक करते हैं। प्रोसीजर क्या है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि डिस्टेंस टारगेट पे देखे अ फोर प्रिज्म डायोप्टर बेस आउट प्रिज्म इज क्विकली प्लेस्ड ओवर राइट आई, ठीक है। राइट आई के ऊपर बेस आउट प्रिज्म हम यूज करते हैं और एग्जामिनर ऑब्जर्व करता है मूवमेंट ऑफ लेफ्ट आई। अब देखें प्रिज्म हमने रखा राइट आई के आगे फोर डायोप्टर का बेस आउट, लेकिन मूवमेंट हमने ऑब्जर्व की लेफ्ट आई की। A sudden displacement of image onto the parafovea will cause refixation if the image is falling on corresponding points on the normal retina. Test is repeated on left eye and examiner observes the movement of right eye. इसी तरह हम लेफ्ट आई के आगे प्रिज्म रखेंगे और मूवमेंट ऑफ राइट आई को ऑब्जर्व करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ प्रिज्म मूव करती है इमेज को लिटिल बिट इन फोवियल एरिया लीडिंग टू रिकवरी मूवमेंट इन द अदर आई। नो मूवमेंट विल अकर इफ द इमेज हैज बीन शिफ्टेड विद इन द नॉन फंक्शनिंग एरिया। अगर इमेज जो है वो शिफ्ट हो गया है आपके स्कोटोमा वाले एरिया में, ब्लाइंड स्पॉट वाले एरिया में, नॉन फंक्शनिंग एरिया में, तो वो क्या हो जाएगा, नो मूवमेंट आपको मिलेगी। अब हम इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, व्हेन टेस्ट इज नेगेटिव पेशेंट इज कंसीडर्ड टू बी बाईफोवियल, व्हेन द प्रिज्म इज ओवर द राइट आई द लेफ्ट आई मूव आउट एंड इन, व्हेन द प्रिज्म इज ओवर द लेफ्ट आई द राइट आई गोज आउट एंड इन। देर आर टू रिस्पॉन्सेज वेन देर इज स्कोटोमा, अगर कहीं पे आई में स्कोटोमा है, आपको पता है एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जिसके सराउंडिंग में वीएल होती है, लेकिन स्कोटोमा एक ब्लैक स्पॉट होता है आपकी वीएल फील्ड के अंदर, ठीक है, माइक्रोट्रोपियाज के अंदर। देर इज अ स्कोटोमा ऑन द राइट आई इफ द प्रिज्म इज ओवर द राइट आई एंड देर इज नो रिस्पॉन्स बायलेटरली, ठीक है। स्कोटोमा कब होगा राइट आई का, इफ द प्रिज्म इज ओवर द राइट आई एंड देर इज नो रिस्पॉन्स बायलेटरली, बोथ आईज में कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वाइस वर्सा फॉर द फॉलो आई। बेगलोनी ग्लासेस हैं, ये भी बीएसवी और सप्रेशन के लिए हम को डिटेक्ट करते हैं, इवेलुएट करते हैं नियर और डिस्टेंस रेटिनल कोरिस्पोंडेंस को विद मिनिमल डिसोसिएशन। व्हिच लेंस ऑफ बेगलोनी ग्लासेस हैव फाइन पैरेलल स्ट्रिएशंस विच कन्वर्ट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इन टू अ लाइन। अब जो पैग्लोनिक ग्लासेज होते हैं इसके अंदर भी फाइन पैरल स्ट्रेशन होती हैं जो कि कन्वर्ट करती हैं, अगर हम लाइट शाइन करते हैं तो उसको एक लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं। इसमें प्रोसीजर वही है कि दो लेंस प्लेस किए जाते हैं 45 और 135 डिग्री पे इन फ्रंट ऑफ द ईच आई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। राइट आई 45 के एक्सिस पे हम रखेंगे एक लेंस और लेफ्ट आई में 135 डिग्री के ऊपर रखेंगे। पेशेंट आस्क टू फिक्सेट अ स्मॉल लाइट सोर्स, पेशेंट को एक छोटा सा लाइट सोर्स का टारगेट दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि फिक्सेट करो। सिमिलरली इसको 6 मीटर के ऊपर और 33 सेंटीमीटर के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं। ईच आई परसीव एन ओब्लीक लाइन ऑफ लाइट परपेंडिकुलर टू दैट परसीव बाय द फेलो आई, ठीक है। अगर एक आई ने लाइट देखी है तो दूसरी आई उसके अपोजिट डायरेक्शन में कह दें कि परपेंडिकुलर लाइट जो है वो परसीव करेगी, ठीक है। अब किसी भी डायरेक्शन ऑफ गेज में हम इसको यूज कर सकते हैं।
इसके रिजल्ट में हमें क्या नजर आएगा, टू स्ट्रीक्स नजर आएंगी जो इंटरसेक्ट करेंगी एट देयर सेंटर इन द फॉर्म ऑफ ओब्लिक क्रॉस, ठीक है, जिस तरह ये क्रॉस बन रहा है इस तरह हमें एक ओब्लिक क्रॉस नजर आएगा। बीएसवी है और एआरसी, अगर एआरसी है ऑफ हार्मोनियस टाइप, टू लाइंस बट नॉट फॉर्मिंग क्रॉस, ठीक है, टू लाइंस हैं लेकिन वो क्रॉस नहीं बना रहे। अगर तो वो क्रॉस बना रही है सेंटर में तो इट मीन के वो बीएसवी या एआरसी है, ठीक है, हारमोनियस है, लेकिन अगर वो लाइंस नहीं बना रही, लाइंस हैं लेकिन वो क्रॉस नहीं कर रही, तो इंटरमिटेंट स्क्विंट है विद नॉर्मल रेटिनल कोरिस्पोंडेंस। अगर वो एक एक ही स्ट्रीक है, नो साइमल्टेनियस परसेप्शन होगी या सप्रेशन ऑफ द अदर है। अगर वो कहते हैं मुझे एक ही लाइन नजर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये सी आप देख लें, एक ही लाइन है और दूसरी है ही नहीं, इट मीन्स के दूसरी जो आंख है उसमें नो साइमल्टेनियस परसेप्शन है और सप्रेशन है। अगर लाइन्स दोनों हैं, क्रॉस भी कर रही है लेकिन थोड़ा सा उनमें गैप है, तो गैप इन वन ऑफ द स्ट्रीक सेंट्रल सप्रेशन स्कोटोमा, जहां पे जिस पॉइंट पे उसको स्पॉट नजर आ रहा है वहां पे गैप नजर आ रहा है, तो वहां पे सप्रेशन स्कोटोमा होगा। फिक्सेशन के लिए हम कौन कौन से टेस्ट यूज करते हैं, रियोस्कोप और फिक्सेशन स्टार ऑफ ऑप्थेल्मोस्कोप। पेशेंट आस्क टू कवर वन आई एंड फिक्स द स्टार विद अदर आई, ठीक है, फिक्सेशन मे बी सेंट्रिक एसेंट्रिक। अब सेंट्रिक जो है वो फोबिया के ऊपर होगी, नॉर्मल ऑन द फोबिया। असेंट्रिक जो होगी वो फोबिया अदर देन फोबिया होगी, फोबिया के अराउंड होगी, अनस्टेडी होगी, पैराफोबियल होगी, मैकुलर हो सकती है, पैरामैक्युलर हो सकती है और पेरिफेरल होगी। अदर देन सेंट्रल जो होगी वो असेंट्रिक होगी। स्नेप्टोफोर को हम नहीं देखेंगे, स्नेप्टोफोर आप छोड़ दें। आफ्टर इमेज टेस्ट को भी रहने दें। फील्ड ऑफ बाइनोकुलर वीएन देख लें कि व्हाट इज फील्ड ऑफ बाइनोकुलर वीएन। टेस्ट इज इन पेशेंट विद पैरालिटिक स्क्विंट विद सम फील्ड ऑफ सिंगल वीएन, जिनमें सिंगल वीएन की कुछ फील्ड बाकी होती है उन पेशेंट में हम परफॉर्म करते हैं जो पैरालिटिक स्क्विंट के पेशेंट होते हैं। परफॉर्म्ड ऑन पेरीमीटर यूजिंग अ सेंट्रल चिन रेस्ट, ठीक है, सेंटर में चिन रेस्ट पे रख के उसकी चिन तो फिर परफॉर्म किया जाता है। न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर टेस्ट है, वेयर एक्विटी मेजर की जाती है विदाउट और विद न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर प्लेस इन फ्रंट ऑफ द आई। इन फंक्शनल एम्ब्लायोपिया वेयर एक्विटी स्लाइटली इंप्रूव कर जाती है, और जो ऑर्गेनिक एम्ब्लायोपिया, ये टाइप्स हैं एम्ब्लायोपिया की, एम्ब्लायोपिया जिसको सुस्त नजरी कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा लाइट रेज जाती ही नहीं है, स्टिमुलस ही नहीं जाता हमारी आई में, तो ये एम्ब्लायोपिया में दो टाइप्स है, फंक्शनल और ऑर्गेनिक। अगर फंक्शनल है तो स्लाइटली इंप्रूव करेगा, ऑर्गेनिक है तो विलिक्विडी मार्कली रिड्यूस हो जाएगी सीन थ्रू द फिल्टर, अगर वो फिल्टर से देखेगा। ये न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि एम्ब्लायोपिया कौन सा है। अगर फंक्शनल है तो वो स्लाइटली विलिक्विडी इंप्रूव कर जाएगी, अगर ऑर्गेनिक एम्ब्लायोपिया है तो विलिक्विडी रिड्यूस हो जाएगी जब वो फिल्टर से देखेगा। अब स्टीरियोप्सिस क्या है, स्टीरियोप्सिस को देख लेते हैं। बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स, using targets in two planes constricted so that they stimulate desperate retinal elements giving a 3D effect, ठीक है, जब 3D effect देगा, depth of perception होगी तो ये आपका stereopsis है। eccentric rings बनेंगी, thickness flight test, ये test हैं जो हम perform करते हैं, TNO test है, random dot test है, stereograms हैं, polarized test हैं, Lang stereo test है, stereoscopic targets हैं, presented haploscopically in major amblyoscope, ये सारे test हैं जिससे हम स्टीरियोप्सिस फाइंड आउट करते हैं। यूजिंग 3D टारगेट्स, 3D टारगेट्स के अंदर आपके आ जाते हैं लैंग्स टू पेंसिल टेस्ट, दो पेंसिल्स पकड़ाई जाती हैं पेशेंट को और उसे कहा जाता है कि दोनों की टिप को मैच करो। अब जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट हैं उनको देख लेते हैं, क्वालिटेटिव कौन से होते हैं और क्वांटिटेटिव कौन से होते हैं। क्वालिटेटिव जो है वो सिर्फ आपको एस्टिमेट देते हैं, लेकिन जो क्वांटिटेटिव होते हैं वो प्रॉपर आपको एक क्वांटिटी दे देते हैं कि इतनी अमाउंट का स्टीरियोप्सिस है। क्वालिटेटिव में लैंग टू पेंसिल टेस्ट है और स्नेप्टोफोर है, क्वांटिटेटिव में रैंडम डॉट टेस्ट और TNO और लैंग्स स्टीरियो टेस्ट है। मेथड हम कौन सा यूज करते हैं पोलराइजेशन के लिए, यूजिंग पोलराइजेशन, टारगेट प्रोवाइडेड एज वेक्ट्रोग्राम एंड इमेज सीन बाय वन आई इज पोलराइज्ड एट 90 डिग्री यूजिंग पोलराइज ग्लासेस। ट्रिटमस फ्लाई टेस्ट, पोलराइज टेस्ट और रैंडम डॉट स्टीरियोग्राम, ये डिफरेंट टेस्ट हैं, इनके नाम आपको लाजमी आने चाहिए। वीडियोग्राफ्स क्या हैं, वेक्ट्रोग्राफ कंसिस्ट ऑफ पोलराइज मटीरियल ऑन विच टू टारगेट इम्प्रिंटेड सो डैट दे आर पोलराइज एट 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इच अदर, ठीक है,
patient provided with polarized spectacles so they that each target is seen separately with two eyes. आपने देखा होगा अक्सर मूवीज होती हैं, 3D मूवीज होती हैं, जिसके अंदर पोलराइज स्पेक्टिकल्स दिए जाते हैं, वो आपको एक 3D व्यू देता है, आपकी जो स्टीरियोप्सिस है उसको इंक्रीज कर देता है, डेप्थ ऑफ जो व्यू है वो फोकस जो है वो बढ़ जाता है इसमें. टिटमस स्टीरियो टेस्ट है 3D पोलराइज स्पेक्ट्रोग्राफ मेड ऑफ टू प्लेट्स इन फॉर्म ऑफ बुकलेट. तीन पार्ट्स के इसमें यूज होते हैं, फ्लाई टेस्ट है, एनिमल टेस्ट और सर्कल. ये एक ही टिटमस फ्लाई टेस्ट है. फ्लाई टेस्ट भी आता है, एक मक्खी से बनी होती है, पेशेंट से पूछा जाता है कि ग्लासेस पहना के कि आप देखो इसमें से आपको मक्खी ऊपर उभरी भी महसूस होती है या नीचे बैठी भी महसूस होती है. फ्लाई टेस्ट है, एनिमल टेस्ट है, इसी तरह सर्कल टेस्ट है, यहाँ सर्कल्स बने होते हैं. ठीक है, फ्लाई टेस्ट में इसी तरह की आपको एक फ्लाई मिलेगी, इसके लिए स्पेशल ग्लासेस होते हैं स्टीरियोप्सिस के. ठीक है, हाउस फ्लाई होती है लार्ज, उसको बुक के ऊपर राइट साइड ऑफ बुकलेट के ऊपर टू टेस्ट ग्रॉस स्टीरियोप्सिस. इसका डिफरेंट थ्रेश होल्ड होता है 3000 सेकेंड ऑफ आर्क अगर इस टेस्ट को हम परफॉर्म करेंगे, और वो एक्यूरेटली आपको बता देते हैं कि किस टाइप की है, तो वो 3000 ऑफ आर्क जो है सेकेंड ऑफ आर्क उसका थ्रेश होल्ड होता है. तो यही हमने अमाउंट जो है वो क्वान्टिटेटिवली लिखनी होती है. यंग चिल्ड्रन के अंदर, बच्चों में ये यूजफुल होती है. If subject asked to pick up one of the wings of fly and subject sees stereoscopically, he will reach above the plate. ठीक है, अब पेशेंट से कहा जाता है कि मक्खी को ना इसके जो पर हैं उसको पकड़ने की कोशिश करो. ठीक है, जब वो ग्लासेस पहनेगा अगर तो उसकी स्टीरियोप्सिस अच्छी है तो उसको लगेगा कि मक्खी उड़ रही है या ऊपर की तरफ है, तो वो ऊपर से पकड़ेगा. ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ ग्रॉस स्टीरियोप्सिस फ्लाई अपेयर एज अ फ्लैट फोटोग्राफ. जिस तरह एक पिक्चर फ्लैट होती है, अगर स्टीरियोप्सिस नहीं है तो पेशेंट को क्या लगेगा कि वो नीचे ही पड़ी है, तो वो बुक के बुक से पकड़ेगा उसको. ठीक है, बुक को टच करेगा. एनिमल टेस्ट, इफ ग्रॉस स्टीरियोप्सिस इज प्रेजेंट, टेस्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री रोज ऑफ फाइव एनिमल्स, ईच वन एनिमल फ्रॉम ईच रो इमेज डेस्परेटली. उसका जो थ्रेशोल्ड है वो डिफरेंट होता है हर इमेज का, एनिमल का 10, 200, 400 सेकेंड ऑफ आर रिस्पेक्टिवली. ठीक है, In each row, one of the animal correspond imaged in two eyes printed heavily black. Misleading clue, इसके अंदर एक दिया जाता है. Patient से कहा जाता है which animal stands out. ठीक है, उसे पूछा जाता है. Subject with stereopsy will name the desperately image जो होगा, जो desperately image होगा, जो उसको misleading होगा, वो उसका नाम देगा. Subject without stereopsy जो होंगे will name the animal printed black. ठीक है, सर्कल टेस्ट क्या होगा, उसमें सर्कल्स बने हुए होंगे, कंसिस्ट ऑफ 9 स्क्वायर्स, इच कंसिस्टिंग 4 सर्कल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लूजेंज. ओनली वन साइकिल सर्कल इन विच स्क्वायर इज डेस्परेटली इमेजेस एज रैंडम थ्रेशोल्ड, उसका 800 से 40 सेकंड ऑफ आर्क होगा. इफ सब्जेक्ट हैज पास्ड अदर टू टेस्ट, ही इज आस्क्ड टू पुश डाउन द सर्कल दैट स्टैंड्स आउट. उसे कहा जाता है कि जो सर्कल सबसे ऊपर है, उभरा हुआ है, उसको पुश करो. ठीक है, When the he finds no circle to push or makes a mistake, limit of his stereopsis, आप वहीं पे assume कर लेते हो. Circle number 5 equivalent to 1 second of arc होता है, जो 5 number पे होगा, ये sequence wise है, 1, 2, 3, 4 ऐसे. ठीक है, सर्कल नंबर 5 जो equivalent to 1 second of arc होगा, lowest limit of fine circle central stereo equity होगी इस level पे. Random dot stereo test है, ये डिवॉइड ऑफ मोनोकुलर क्लूज होता है, पेशेंट कैन नॉट गेस व्हाट स्टीरियो फिगर इज एंड वेयर इट इज लोकेटेड. प्रोवाइडर्स ट्रू मेजरमेंट ऑफ, ये हमें प्रोवाइड करता है ट्रू मेजरमेंट ऑफ स्टीरियोप्सिस देन टिटमस फ्लाई. ये जो रैंडम डॉट टेस्ट है, ये हमें इस स्टीरियो जो हमने टिटमस टेस्ट यूज किया था उससे भी बेहतर मेजरमेंट देता है. TNO टेस्ट है, ये जो टेस्ट है इसके अंदर प्लेट्स होती हैं. इच टेस्ट प्लेट कंसिस्ट ऑफ स्टीरियोग्राम इन विच इमेजेस प्रेजेंटेड टू इच आई हैव बीन सुपरइम्पोज्ड एंड प्रिंटेड इन कम्प्लीमेंट्री कलर. ठीक है, डिफरेंट कम्प्लीमेंट्री कलर्स के अंदर इनको प्रिंट किया जाता है. इमेजेस जो है वो सुपर इम्पोज होती हैं. स्टीरियोग्राम्स आर व्यूड थ्रू अ पेयर ऑफ रेड एंड ग्रीन फिल्टर. रेड और ग्रीन फिल्टर के अंदर से इनको व्यू किया जाता है. रैंडम डॉट स्टीरियोग्राम्स हैव बीन एडवांटेज दैट दे कम्प्लीटली एलिमिनेट मोनोकुलर क्लूज. मोनोकुलर क्लूज आप लोगों ने पढ़े थे, तो जो रैंडम डॉट स्टीरियोग्राम्स हैं उसके अंदर ये एडवांटेज होता है कि वो मोनोकुलर क्लूज को एलिमिनेट कर देता है. पेशेंट इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द शेप विच कैन ओनली सीन स्टीरियोस्कोपिकली. 7 प्लेट्स होती हैं टीएनओ टेस्ट में. फर्स्ट
फोर प्लेट्स आर फॉर स्क्रीनिंग पर्पज़, इसके अंदर जो पहली चार प्लेट्स होती हैं वो हम स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। द डिस्पैरिटीज़ आर लार्ज एंड अनग्रेडेड, ठीक है, इसमें जो डिस्पैरिटीज़ होती हैं वो बड़ी होती हैं, ज़्यादा होती हैं और उसको हम ग्रेड नहीं कर सकते। प्लेट वन होती है जिसमें दो बटरफ्लाइज होती हैं, ऑफ विच वन कैन बी सीन मोनोकुलरली, अदर ओनली इन स्टीरियोप्सिस, ठीक है। दो बटरफ्लाइज इस तरह की होती हैं कि अगर एक को मोनोकुलरली देख सकते हैं, दूसरी को जब स्टीरियोप्सिस होगी तो ही उसे वो नजर आएगी सेकंड बटरफ्लाई, अगर किसी में स्टीरियोप्सिस नहीं है तो उसको बटरफ्लाई सेकंड नजर नहीं आएगी। प्लेट टू के अंदर फोर डिस्क होती हैं, दो मोनोकुलरली नजर आ जाती हैं आपको और टू नीड स्टीरियोप्सिस, ठीक है। प्लेट थ्री इसी तरह है, फोर हिडन शेप्स होती हैं अरेंज अराउंड सेंट्रली प्लेस क्रॉस। प्लेट फोर है सप्रेशन टेस्ट जिसके अंदर तीन डिस्क होती हैं, वन राइट आई से देख सकते हैं, एक लेफ्ट आई से देख सकते हैं और एक जो है वो हम बाइनोकुलरली देख सकते हैं। देन उसके बाद प्लेट हमारे पास जो फाइव और सिक्स, फाइव सिक्स सेवन है, उसमें टेस्ट शेप्स होती हैं, पीएसी मैन शेप इसको प्रेजेंट किया जाता है सिक्स डिफरेंट डिस्पैरिटीज के ऊपर। ये पीएसी मैन शेप्स होती हैं जिसको हम कहते हैं पीएसी, तो ये डिफरेंट पोजीशन डिस्पैरिटीज की होती हैं जिसकी रेंज है 15 से लेके 480 सेकंड्स ऑफ आर्क। ये आपको थ्रेशोल्ड सबके पता होने चाहिए, जितने भी टेस्ट मैं बता रही हूँ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका प्रोसीजर है, और सेकेंडली कितने सेकेंड ऑफ आर्क का इसका थ्रेशोल्ड है, कितने डिग्री का आपको ये स्टीरियोप्सिस बताता है। लेंथ स्टीरियो टेस्ट है, ये बस एंड होने वाली है आपकी स्लाइड्स। लेंथ स्टीरियो टेस्ट है, कार्ड्स आर हेल्ड एट द सब्जेक्ट रीडिंग डिस्टेंस, उसके रीडिंग डिस्टेंस पे कार्ड रखा जाता है और उसको कहा जाता है कि अब नेम या पॉइंट ऑफ द पिक्चर, जो उसके अंदर को पिक्चर नजर आ रही है उसका नाम लो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रैंडम डॉट्स क्रिएट डिस्पैरिटी विच रेंजेस फ्रॉम 1200 टू 550 सेकंड्स ऑफ आर, इस तरह की पिक्चर होंगी उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा तो आपने वो बताना है कि आपको क्या नजर आ रहा है। क्रिस्पी स्टीरियो टेस्ट है, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन और सेकेंड लास्ट। ओनली क्लिनिकल टेस्ट है बेस्ड ऑन एक्चुअल डेप्थ, जो हमारी एक्चुअल डेप्थ है उसके ऊपर बेस करता है, विच वेयर रैंडम शेप्स आर प्रिंटेड ऑन थ्री क्लियर प्लास्टिक प्लेट्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस, तीन प्लेट्स होंगी डिफरेंट थिकनेस की होंगी और उसके ऊपर रैंडम पिक्चर जो होंगी वो प्रिंटेड होंगी। डजंट रिक्वायर एनी फॉर्म ऑफ डिसोसिएशन, इसमें डिसोसिएशन की जरूरत नहीं होती। इच प्लेट हैज फोर स्क्वेयर ऑफ कर्व्ड रैंडम शेप, हर प्लेट के ऊपर फोर शेप्स होती हैं रैंडम कहने के स्क्वेयर्स की, रैंडम शेप्स होंगी उसके अंदर डिफरेंट शेप्स होंगी। वन स्क्वेयर कंटेन हिडन सर्कल दैट इज प्रिंटेड ऑन द अपोजिट सर्फेस, डिस्पैरिटीज रेंज करती हैं 600 से 15 सेकेंड ऑफ आर। केयर टेकन दैट नीदर द प्लेट्स नॉर द पेशेंट हैड मूव्ड ड्यूरिंग टेस्टिंग एट देयर मे प्रोवाइड मोनोकुलर क्लूज, ठीक है। मोनोकुलर क्लूज से बचने के लिए हम कोशिश करते हैं कि जो प्लेट है और पेशेंट का हेड है वो चेंज ना हो, पोजिशन चेंज ना हो। If the first place is recognized successfully, then thinner plates which give smaller disparities are presented in the similar fashion. ठीक है, पहली प्लेट अगर वो रिकोगनाइज कर लेता है तो उससे जो थिन प्लेट्स होंगी फिर हम कहेंगे उसके तरफ जाएंगे, स्मॉलर डिस्पैरिटीज की होंगी उससे ज़्यादा वो आपको स्टीरियोप्सिस का बताएंगी। ठीक है, सिंपल मोटर टेस्ट है, टास्क टेस्ट है, पेंसिल टेस्ट जिसके अंदर डिटेक्ट होती है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ग्रॉस स्टीरियोप्सिस, जिसके मैं ये टेस्ट आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक पेंसिल एक हाथ में दी जाती है, दूसरा एग्जामिनर अपने हाथ में रखता है, पेशेंट से कहते हैं कि इसकी टिप को अलाइन करो, ठीक है। उसका जो थ्रेशोल्ड है वो 3000 से लेके 5000 सेकंड ऑफ आर्क तक होता है। प्रोसीजर अभी मैंने आपको बता दिया है, पेशेंट से कहा जाता है कि अपर जो टिप है उसको आपने पेंसिल की दूसरी टिप से क्या करना है, मैच करना है, बस, ठीक है। यहाँ तक काफी है, इंटीरियर पोस्टीरियर सेगमेंट की इवैल्यूएशन रहने दें। ओके बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, नहीं तो इसको रीड करें, बार बार देखें, इंशाल्लाह ये समझ आ जाएंगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं समझ आएगी, लेकिन जब एक दो बार देखोगे ना तो ये टेस्ट बहुत ईजी है, तो ये आप लोग इसमें आराम से याद कर लोगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।